हुआ है। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन की सरकार को, कर्नाटक की जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। आप देख रहे हैं इतनी धूप में इतना उत्साह है लोगों में और इतनी बड़ी संख्या में ये जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार को और विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा फैसला देने के लिए वह आतुर है। कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, चार गारंटी पहले दिए, पांचवा गारंटी कल राहुल गांधी ने दिया महिलाओं को फ्री बस, आईआईटी की बात कर रहे हैं, शिक्षा विशेष शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास किन गारंटियों के साथ उतर रहे हो, क्या कांग्रेस का असर कर्नाटक में दिखेगा इन गारंटियों का? सबसे पहली बात यह है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, राजस्थान में इनकी हांडी जल चुकी है, छत्तीसगढ़ में इनकी हांडी जल चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस देंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पैसे देंगे, आज पांच साल पूरे होने को आ रहे हैं, उनको जो दिखाया है वो देश की जनता ने देखा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर कोई विश्वास नहीं करता और उनको मालूम है कि सत्ता के लिए इतने लालच में आ गए हैं कि हर तरीके की गारंटी और बात करते हैं और बाद में चुनाव निकल जाने के बाद वो भूल जाते हैं, इसलिए उनका जो इतिहास है, कीर्तिमान है, वह जग जाहिर है और इसलिए उन पर कोई जनता विश्वास कर नहीं रही है। दूसरी बात, मोदी जी के नेतृत्व में जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित का जो सशक्तिकरण हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 4 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर्नाटक में हुई है, 80 करोड़ की जनता को दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 56 लाख यहां मकान बने हैं, इसी तरीके से यहां विकास हुआ है, तो इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, डबल इंजन की सरकार पर है और ये चाहे जितनी भी गारंटी दें, इनकी गारंटी की वारंटी समाप्त हो चुकी है। शब्दों की मर्यादा पर क्या कहेंगे?